ये देखो कितनी बड़ी पिचकारी आ रही है। तो वैसे आज मैं पहली बार आईफोन से शूट कर रहा हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मेरे डेली व्लॉगिंग का सातवां दिन। वैसे आज की वीडियो आपको थोड़ी सी अलग दिख रही होगी, क्योंकि दोस्तों आज मैं पहली बार अपने न्यू आईफोन में शूट कर रहा हूँ। मुझे भी नहीं पता इसमें कैसे शूट करते हैं और इसकी कैसी एडिटिंग होती है, लेकिन चलो धीरे धीरे सीख ही जाएंगे। ओ भाई, इसमें तो बहुत सारे ऑप्शन है, देखो ना, जूम करने का और वाइल्ड एंगल। यार वाइल्ड एंगल बहुत ही बढ़िया है इसका। और ये देखो कितनी, यानी कि क्लियर इमेज दिख रही है आपको। बाहर बहुत ही धूप पड़ी है, लेकिन फिर भी ये देखो, यानी कि हर एक चीज़ आपको चमकती हुई और एकदम रियल दिख रही होंगी। यार बहुत ही बढ़िया लग रहा है ऐसे शूट करने में। वैसे फ्रेंड्स, आज मैं व्लॉग थोड़ा सा लेट शुरू कर रहा हूँ, दोपहर का 1 बज चुका है और अभी दुकान की हालत कुछ ऐसी है। तो गाइस, पिछले व्लॉग में बहुत सारे लोगों ने कहा था तो भाई कि पानी की जो बोतल होती है ना, नीचे वाली ऊपर की तरफ ले जाया करो, यानी कि जब भी आप नई लगाओ तो नीचे वाली ऊपर की तरफ ले जाया करो, पुरानी वाली बोतल ऊपर की तरफ लगाओ और जो न्यू वाली वो नीचे की तरफ लगाओ। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा तो मैंने 100 पानी बोतल के बॉक्स एक साथ ही लाए थे, कि उन सभी की एक्सपायरी एक साथ ही होने वाली है। मैं पहले लगाऊं या फिर बाद में, लेकिन फिर भी सभी की एक्सपायरी एक साथ ही होंगी। और मैंने ये पानी बोतल के बॉक्स पिछले महीने लाए थे और अभी इसकी एक्सपायरी 6 महीनों तक है। तो ये देखो, अभी भी इतने सारे पानी बोतल के बॉक्सेस पड़े हुए हैं और ऊपर की तरफ ये स्प्राइट के बॉक्सेस और वो। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें से 2 बॉक्सेस उठा लेता हूँ बाहर लगाने के लिए। तो चलिए इसमें से कुछ बॉक्सेस उठा लेता हूँ। ये रहा पहला बॉक्स, चलो इसको बाहर लेके चलते हैं। यहाँ पे एक, ये रहा दूसरा वाला। तो चलिए अभी इन दोनों को ही फटाफट से फ्रिज के अंदर लगा देता हूँ। तो गाइस, अभी मैं निकल पड़ा था शहर की तरफ, क्योंकि दोस्तों कल मैं दिन भर घर पे नहीं था, जिस कारण दुकान की बहुत सारी चीज़ें जो कि खत्म हो चुकी है। और आज मैंने एक छोटी सी लिस्ट बना ली है जिसके हिसाब से मुझे सामान लाना है। पीछे देख सकते हो मेरी बाइक, बाइक के ऊपर ऑयल की कैन और बहुत सारी चीज़ें, और धूप बहुत ही हो चुकी है, इसलिए मैंने सर के ऊपर थोड़ा सा रुमाल बांध लिया यार, धूप से बचने के लिए। ये देखो ना कितनी धूप है यार यहाँ पर। अभी मैं पेड़ के नीचे थोड़ा सा खड़ा था और ये देखो पूरा चमक रहा है यार सन। तो गाइस, आपको अभी कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी बढ़िया दिख रही होंगी, क्योंकि आईफोन का कैमरे से शूट कर रहा हूँ मैं। और गाड़ियाँ अभी चल रही है, फिर भी ये देखो ना वाइब्रेट बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो गाइस, अभी मैं इस वाली दुकान पर पहुंच चुका हूँ, चलिए अंदर चलते हैं। डाल रहा तो 250 में 5 किलो, किराना पन्नी 250 में 1 किलो, 2 किलो में 1 किलो, सोयाबीन बड़ी 5 किलो, खुली खुला तेल 18 किलो, सोयाबीन वोटा का तेल दे आप ले लो धारा 19 किलो। तो चले गए अब भरते तेल। ओ भाई ये किधर गया? हाँ चलो इसमें इसको माइनस करना पड़ेगा 0। हाँ चले, ये खुला तेल भरने में बहुत ही डर लगता है, कभी कभी नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी कस्टमर इसे मांगते हैं, इसलिए हमें यही बेचना पड़ता है। तो गाइज, मुझे इसमें 19 लीटर भरना है, 16, 17, 18। तो चले गए, मैंने यहाँ से सामान खरीद लिया है, जिससे कि अपनी गाड़ी पर बांध लिया है। तो अब चलते हैं दूसरी दुकान पर। तो चले गए, अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पर अलीम जनरल, और यहाँ पर तो यानी कि होली का सामान भी आ चुका है। ये देखो जो सारे कलर होते हैं ना, वो भी आ चुके हैं यहाँ पर। ये देखो कितनी बड़ी पिचकारी आ रही है। तो भाई और बहुत सारा सामान आ चुका है यहाँ पर भी, यानी कि होली का। लेकिन मैं ये सब चीज़ें लेने के लिए थोड़े दिनों बाद आऊँगा। तो चले गए, मैं घर पहुँच चुका हूँ, लेकिन घर आते ही मेरा अगला काम शुरू हो जाता है, क्योंकि दुकान में कुछ शक्कर के पैकेट और बहुत सारी चीज़ें खत्म हो चुकी थी। तो ये देखो घर आते ही मैं ये शक्कर के पैकेट बनाने लग गया। वैसे कैसे आप सोच रहे होंगे कि मैं रोज ही शक्कर के पैकेट बनाता हूँ, लेकिन दोस्तों शक्कर एक ऐसी चीज़ जो कि हमारे यहाँ रोज ही बिकती है, जिस कारण इसके पैकेट हर रोज ही खत्म हो जाते हैं और मुझे रोज ही बनाने पड़ते हैं। चलो कोई ना, मैं अपना काम करता हूँ। चलिए अब इस दूध के पैकेट को रखते हैं फ्रिज के अंदर। 1, 2, 3, 4 दूध के पैकेट एक आध फट जाते थे, उनके लिए मैंने यहाँ पर ये छोटे छोटे कंटेनर रखे, क्योंकि अगर एक पैकेट फट गया तो पूरी बॉटल्स को, कूल ड्रिंक्स को गिला कर सकता है। तो गाइस, अभी रात के 10 बज चुके और मैंने जो सामान लाया था उसमें से कुछ सामान तो मैंने दुकान में अरेंज कर, लेकिन उसमें से थोड़ा बहुत सामान यहीं पर पड़ा है। तो ये देखो उसमें से थोड़ा बहुत सामान यहीं पर पड़ा है और ये अलग अलग जगह पर लगने वाला है। ये कुछ अचार के पूरे पैकेट हो गए, ये देखो। लेकिन अभी रात के 10 बज चुके और शॉप को भी बंद करना है, क्योंकि मैं सुबह से बैठा हूँ और मुझे भूख भी लगी, अभी खाना भी खाना है। तो एक काम करता हूँ, फटाफट से शॉप को बंद कर लेता हूँ। तो चले गए, शॉप तो मैंने बढ़ा लिया और अब चलते हैं खाना खाने के लिए। तो चले गए, मेरा खाना पीना तो हो चुका है, अभी बजे रात के 11 और मैंने अपना मिनी व्लॉग भी एडिट कर लिया है। वैसे आज मैं पहली बार आईफोन से शूट कर रहा हूँ,
इसलिए मुझे पता नहीं कि इसकी सेटिंग क्या होती है और इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है क्योंकि पहली बार मैं यूज कर रहा हूँ। वैसे अगर आपको इसके कुछ फीचर्स के बारे में पता होगा या फिर मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्योंकि दोस्तों मैंने पहली बार लिया है। तो चलिए गाइस आज के व्लॉग में इतना ही, आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।